अब यहाँ पे हाँ आपको क्या समझ आ रहा है ये पिक पे? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कट कट हो रहा है, कट हाँ हो रहा है, ओके कट हो रहा है, तो क्या वास्तु पुरुष का मस्तक भी कट हो रहा है, राइट ओके। तो इस घर ये प्लॉट का जो यूजर है उसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी? सो बेसिकली हेडेक्स, हाँ ब्रेन, एनीथिंग ब्रेन रिलेटेड, ओके विजन, आइडियाज, आइडियाज हाँ कम होगा विजन में, या ओके एनीथिंग क्रिएटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम ओके होगा. और हेल्थ इश्यू आएंगे, पढ़ाई में उसका कॉन्सेंट्रेट या नहीं रहेगा, नहीं बिजनेस रहेगा. अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी सर. हाँ हेल्थ हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। वही अपने वाटर यस जोन, वाटर जोन के हर एट्रीब्यूट पढ़ा है ना, वाटर जोन में कितने एट्रीब्यूट्स थे वो सब यहाँ पे यस डिस्टर्ब होंगे, यस राइट क्लियर। अब समझिए कि इसकी ट्रीटमेंट यस क्या है, कि ये यहाँ पे देखा रेड डॉट दिख रहे हैं, रेड डॉट ये, यस तो सर. यहाँ पे ऐसा पीतल का तार, ब्रास का वायर डाल के इसको आप 90 डिग्री कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर है तो, अच्छा क्लियर। ये इसकी ट्रीटमेंट। अब कट को क्या कहेंगे, अगर इस प्लॉट के अंदर ये कट किस तरह से कैलकुलेट होता है? यहां पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्सेस गिनना, रेड के रेड से इस साइड कितने बॉक्सेस है शालिनी जी, गिनना। हाँ, 6 बॉक्सेस हैं. वन टू सिक्स थ्री सिक्स फोर थ्री इज फाइव एटीन सिक्स एटीन सिक्स खाली एटीन बॉक्सेस हैं. खाली एक ही साइड को सिक्स बॉक्सेस है, हाँ, 6 बॉक्सेस हैं. और हाँ पूरे प्लॉट में कितने बॉक्सेस है रीटा जी के, ना आप मत बोलना शालिनी जी, पूरे प्लॉट के अंदर कितने बॉक्सेस है रीटा जी? I have no idea. है देखिए, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है जहां मेरा कर्सर है ना, ये बॉक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके। अब ये नाइन बॉक्स यानी ये हो गया आपका 9 फिट हो गया, एक बॉक्स 1 फिट का है शालिनी जी, हाँ सर. ओके। तो कटिंग का कैलकुलेशन कैसा होता है, तो यहाँ पे कितने बॉक्स यानी कितने फिट यूजर एरिया है, यूज एरिया है बताइए शालिनी जी। अच्छा, इन 81 यूजर्स माइनस एक एक नाइन. एक साइड ही दिखाइए ना, एक साइड नॉर्थ के साइड का ही दिखाइए, पूरा मत कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, 1/3 इज कट सर. देखिए ये एक बॉक्स 1 फीट का है, तो 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट और ये 6 फुट यूजर एरिया है। हाँ, 3 फुट कट हो गया. हाँ तो ये छे छे की वैल्यू ज्यादा कि 3 की वैल्यू ज्यादा? 6 की वैल्यू ज्यादा. हाँ यानी प्लॉट के अंदर जो वैल्यू कम होगी, जो एरियाज की वैल्यू कम होगी मेजरमेंट के हिसाब से, और वो अगर बड़ा हुआ होगा तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे, और जो वैल्यू कम होगी और वो कटा हुआ होगा तो उसको कट एरिया कहेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ सर. फिर क्या होगा, कभी ये रेड लाइन समझो कि रेड लाइन यहाँ बीच में होगी तो इसको कटा हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, अच्छा, ओके. और यहां से ये 3 बॉक्स बाहर निकलेंगे तो आप ऐसा कहोगे तो कि ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है वो नहीं, जो एरिया वैल्यू अदर आउटर में एक्सटेंड हो रही है तो वो बड़ा हुआ, और जो इनसाइड रह रही है यानी कट जोन में आ रही है वो कटा हुआ। ये एक मैथमेटिक्स है, एक फंडा है, ये एक बेस पॉइंट है एक्सटेंशन और कट एरिया का, ओके। सर, अभी ये फ्लैट्स में भी कट होता है ना, बहुत सारे फ्लैट्स में हाँ नॉर्थ ईस्ट कट होता है, तो वो रेमेडी क्या होगा? अभी रेमेडी का नहीं चल रहा, अभी आप ये सीखिए, हाँ अभी सर, अभी खाली एक आपने ग्राउंड की ब्रास का हाँ वो तो मैंने ब्रास बताया, का बोला ना.
हाँ वो तो मैंने साथ साथ बताया ना, फिर वो रेमेडी बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर। पहले तो मैं आपको कल एक ऐसा एक ड्राइंग ही पूछूंगा और वहां पे ये कहूंगा, तो वही आपको नहीं पता चल इसको कटा हुआ कहेंगे कि क्या कहेंगे, जो एरिया क्या क्या है, रूल्स क्या है कटे हुए एरिया का, समझाइए मुझे मैंने क्या कहा आपको। अगर ज्यादा लाइक जो जो प्लेस बाकी उससे कम कटा हुआ है, देन ओनली यू विल से इट्स कट एरिया। यस इफ इट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एरिया लेफ्ट, देन वी डोंट से इट्स कट। हाँ ओके हाँ क्लियर यस सर। ही है। हाँ सर। ओके अब ये दूसरे तरफ हम जा रहे हैं, अब ये नॉर्थ वेस्ट कट है के क्या है के नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड है, नो सर, नॉर्थ वेस्ट कट है। नॉर्थ वेस्ट कट है। क्यों क्या बेसिक है इसका, कट क्यों है ये। बिकॉज इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ नॉर्थ इज कट, नॉर्थ यस स्मॉल वेस्ट। पार्ट ऑफ कट, राइट परफेक्ट क्लियर। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी ओनर को, हेल्थ वाइज क्या राइट प्रॉब्लम, हैंड पहले एंड पहले पहले हेल्थ वाइज बता दीजिए। हाँ सर, एंकल प्रॉब्लम एंड नी प्रॉब्लम होगा, राइट राइट एंकल एंड राइट एल्बो का। ओके रिलेशनशिप में क्या होगा, सपोर्ट एंड नॉर्थ का बैंकिंग सपोर्ट सपोर्ट में कमी आएगा। और जो लोग रहते हैं उस घर पे में सपोर्ट, एक दूसरे के रिलेशनशिप सपोर्ट कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, और क्या होगा, और बैंक का सो सपोर्ट, अगर बैंक में लोन हाँ चाहिए तो बैंक यस गुड गुड। एस्ट्रो लोन। एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, मून का बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज फॉर द मून मून। यस बहुत बढ़िया। सर ये अगर फैक्ट्री है तो बैंक का लोन नहीं मिलेगा। ओके उसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उसमें स्टाफ में सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगी, स्टाफ टिकेगा नहीं, उसके प्रोडक्ट में अट्रैक्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, हाँ और ओवर ये कॉन्फिडेंस भी उसका लूज होगा, और डिप्रेशन भी हो सकता है, और उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव फील भी होगा। नॉर्थ वेस्ट एंड चंद्र हो गया, चंद्र संबंधित सब सब प्रॉब्लम्स आएगी यहाँ पे। अच्छा। ओके ओके। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उपाय क्या करेंगे यहाँ पे, ये फ्लैट नहीं है ये भूमि है, तो उपाय क्या करना है। एल्यूमिनियम का तार लगाएंगे। नहीं ब्रास का, जब भी जमीन ये क्या एक्सटेंशन यहाँ पे क्या हमें क्या लैंड क्रिएट करनी है, तो अच्छा पृथ्वी अच्छा तत्व ओके कौन ब्रास। सा है, ब्रास। हाँ यस ओके क्लियर।